कुछ नहीं होगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज मेरा बहुत ही मन कर रहा है वैशाली जाने का, और वैशाली जाने के लिए मुझे पहले मम्मी से परमिशन लेना होगा। सो अभी मैं चलता हूँ घर पे और मम्मी से जाके परमिशन लेता हूँ कि वो मुझे वैशाली जाने दे। ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, बट मुझे इस मौसम में जाना बहुत पसंद है। देख सकते हैं ये मौसम, आई विश मम्मी मान जाए। अभी चलते हैं अंदर में और देखते हैं। सो मैं अभी जा रहा हूँ और मम्मी सब जाते हैं वैशाली। अरे जाते हैं ना, क्या हो गया? थोड़ा बहुत बारिश, देखेंगे रेनकोट ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है चलो आते हैं घूम के फिर वहाँ। ठीक है तो देख सकते हैं मम्मी आटा सान रही है। वाह, अभी किसके लिए? चलो ठीक है, सानो हम आते हैं शाम में। ठीक जा रहे हैं। ठीक है क्या जा रहे घूमने? ये है आते हैं। ओके गाइस, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर से बाहर क्योंकि मैंने परमिशन ले लिया है। और अभी मैं सोचा रेनकोट लेने का, बट रेनकोट क्या है कि मुझे मिला ही नहीं गाड़ी। बट क्या करें, अभी इससे जा नहीं सकते हैं क्योंकि अभी इसकी पेट्रोल ख़त्म है और मैंने उसे बोल दिया, तो अभी उसी गाड़ी से जाएंगे नहीं। इससे भी जाएंगे तो अभी लेट हो जाएगा काफ़ी। मैं बता दूं, मैं अभी निकल चुका हूं और अभी मैं जा रहा हूं उसके पास में, और उसके पास जाके फिर उसके साथ निकलेंगे हम लोग वैशाली के लिए। सो बस रास्ते में मैं पहुँचता हूँ उसके पास। गाइस मैं पहुँच चुका हूँ अनीश के घर पे और अब मैं उसको लूँगा क्योंकि वो तैयार नहीं हुआ था। मैंने उसे फ़ोन किया, वो काम में बिज़ी था। सो बस मैं पहुँच ही गया हूँ, अब वो तैयार हो जाएगा और अभी हम लोग दोनों निकलेंगे। और बात किया था हम जिस गाड़ी से जाने वाले थे, वो बहुत ही यूनिक गाड़ी था, बट कुछ उसके पेपर्स नहीं, इस कारण हम लोग उस गाड़ी से नहीं जाएंगे बल्कि दूसरे गाड़ी से जाएंगे। सो अनीस के यहाँ पहुँच गए हैं, देख सकते हैं लाइन कट है। और ये अनीस अभी नहा ही रहा है, और ये भानु को देखिए, इसे ही बहुत पहले बोला गया था बट ये भी अभी तैयारी नहीं है, काफ़ी लेट कराएंगे। अनीस चला गया अंदर, उफ काफ़ी लेट हो रहा है। भानु जल्दी चलो, काफ़ी लेट है हम लोग। अभी अंदर लाइट नहीं थी तो मैं बाहर आ गया हूँ, और यहाँ पे बारिश भी चालू हो चुकी है हल्की हल्की। एंड चलते हैं, जल्दी से निकलते हैं तो आगे का व्यू दिखाते हैं। फाइनली गाइस, भाई और बहन दोनों आधे घंटे लेट तैयार होके आए हैं, जबकि सुबह में भानु को बोला गया था। आई तो खैर हमेशा से लेट ही रहा है, कोई बात नहीं, अब चलते हैं, जल्दी से लेट हो गया काफ़ी। भानु हंस क्यों रहे? और हम लोग अभी इसी बाइक से जाएंगे। फ्रेंड्स अभी हमने सफ़र स्टार्ट ही किया था कि टंकी हो गई खाली, क्या ही बताएं, सफ़र अभी स्टार्ट ही हुआ था और अभी स्टार्ट में ही हमारी टंकी खाली हो गई। तो अभी हम लोग पेट्रोल टैंक फुल करेंगे और तब यहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे। अरे अनीस, ऑनलाइन पेमेंट क्या करिए करिए, आगे और खर्चा होगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पेट्रोल ले लिया है और अभी हम लोग बस निकल रहे हैं एंड रास्ते में हैं। तो अनीस प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू, अच्छे से चलाइएगा। भानु को इतना डर लगता है, उससे ज़्यादा डर हमको लगता है। सही बात है। तो मौसम बहुत ही सुहाना है, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, एकदम परफेक्ट मौसम है। अच्छा हुआ कल हम लोग गए और आज निकले हैं, तो कुछ ना कुछ आएगा। तो फ्रेंड्स भानु से हेलो, आई वाज अनीस हेलो। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग, बारिश हो रही है, आंटी बोली कि भानु को अभी लेके कहाँ जा रहे हो इतने बारिश वाले मौसम में, हमने कुछ आंसर नहीं दिया और बस लेके भानु को आ गए हैं। और अनीस भी हमारे साथ, और हम लोग अभी ट्रिप पे निकल चुके हैं। अभी यहाँ से हम लोग ज़्यादा नहीं 45 किलोमीटर समय जाना है, बस 45 किलोमीटर आना था कैलिबर से, जो बहुत ही मस्त गाड़ी है, वो उसे बैठने मज़ा आता है। और वो कब का है? आपके पापा के शादी के टाइम का ना? हाँ, मेरा भाई है वो, जुड़वा भाई। अच्छा, आपका जुड़वा भाई है। पापा को दहेज में मिला था, दहेज में मिला था वो, दहेजी गाड़ी था, उसी से हम लोग जाने वाले थे।
गोवा का मतलब उस टाइम का सबसे बेस्ट गाइड था वो। मैं आपको उसका एक छोटा सा झलक दिखाऊंगा जब हम लोग वापस उधर से आएंगे, तो एक छोटा सा झलक उसका लेंगे और वो भी गाड़ी दिखाएंगे। फिलहाल अभी तो साइन से जा रहे हैं जो अभी के जनरेशन का है, और कैलिवर से जाने का मजा ही अलग था, बात ही अलग था। गाइस देख सकते हैं कितना ही प्यारा व्यू है यहाँ पे, बहुत ही मज़ेदार, मज़ा आता है ऐसे मौसम में। और गांव के साइड तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, देख सकते हैं आप लोग। बहुत जल्द हम लोग पहुँचेंगे, अभी तो काफ़ी दूर है, फिर भी यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है हम लोग। क्या ही मस्त मौसम और व्यू है, मज़ा आ गया। आपने ये पूरा ब्लॉग नहीं देखा तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। आप देख सकते हैं ये हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर का बहुत ही पुराना हवाई अड्डा है, पताई हवाई अड्डा। यहाँ पे पहले के टाइम में एरोप्लेन आते थे जाते थे, हेलीकॉप्टर्स आते थे जाते थे, बट अब पूरा का पूरा जंगल हो चुका है। ये पुल मैं लगभग देख रहा हूँ 8-10 सालों से, ये ऐसा का ऐसा ही है, पता नहीं ये कब पूरा होगा। ऐसा अभी हम 2 मिनट के लिए रुके थे क्योंकि मेरे दोस्त अनीश को टॉयलेट लगा था, तो इसीलिए हम लोग टॉयलेट करने रुके थे। तो अभी हम लोग अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं मानो। तो हम लोग जल्दी से पहुंच जाए, फिर वहाँ बहुत सारी ढेर सारी मस्तियाँ करेंगे, है ना। सो यो गाइस आगे बढ़ते हैं। गाइस ऐसा लग रहा है अनीस आज मुझे पता नहीं सही सलामत पहुंचाएगा या नहीं। हम और भानु दोनों डर के बैठे हैं, कभी हाथ छोड़ रहा है, कभी खड़ा हो जा रहा है, कभी सही से बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ इसका। ये देखिए फिर से चल, जय माता दी, जय बजरंगबली। गाइस हमें भूख लगी है और अनीस अभी गया है लेस लाने मेरे और भानु के लिए। अनीस क्या हुआ, ले लिए? देखते हैं क्या ले रहा है। इतना लेज कौन खाएगा, हम लोग खाएंगे और कौन खाएगा। ये मतलब क्या खाना की जगह भानु लेज खाओगी इतना सारा? ये तो पूरा का पूरा एक पूरा बंडल ही उठा के ले आया है, देख लीजिए। ये पता नहीं क्या लेज है, इसको हम लोग ऐसे माला की तरह पहन लेंगे। तो गाइस बहुत ही मजा आ रहा है, क्या ही बताऊं, बहुत ही मजेदार। गाइस ये देख सकते हैं लेज का राजा मैं ही हूँ, हम दोनों, मेरा दोस्त लेज का राजा, लेज का राजा हाँ। तो पीछे बैठ के वो भी खा ही रही है लेज की रानी, बड़े ही मजेदार मजा आ रहा है। तो यहाँ इस ढाबे पे आके खा सकते हैं, ढाबा का नाम है यूपी ढाबा, बहुत टेस्टी ढाबा है ये, खाना अच्छा खिलाते हैं और मैं फोकट में इनका प्रमोशन कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसा खिलाते हैं बस ढाबा है तो हर ढाबा लगभग अच्छा ही खाना खिलाते हैं, तो ये भी अच्छा ही खिलाते होंगे, इसीलिए मैंने कहा कि यूपी ढाबा अच्छा ढाबा है, आप खा सकते हैं। अभी ये सब जो है ये सब मेट्रो सिटी के अंदर में आ रही है, आप देख सकते हैं ये भैंस भी मेट्रो सिटी के अंदर में ही है यहाँ हमारा मेट्रो सिटी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। टॉल प्लाजा बस वहीं पे हम लोग पहुंच गए हैं। बाइक का टॉल नहीं लगता है, नहीं साइड से निकाल लीजिए, नहीं देंगे पैसा, देख लीजिए टॉल प्लाजा वाले।
अभी हम लोग टॉल क्रॉस किया हमने, ये देख सकते हैं पीछे टॉल प्लाजा था। हमने उसे एक भी रुपया नहीं दिया, क्यों देंगे, बाइक से चल रहे हैं और रोड सही बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और रोड तो हमारा ही है, हमारा ही है क्योंकि टैक्स तो भरते ही है ना। अक्षय कुमार का एक डायलॉग याद आ गया, थोड़ी देर पकड़ दोस्तों, ये हम चारों यानी बाइक चल रही है, मानो चलने दीजिए, आप चलाइए, ये मुझे मार डालेगा लग रहा है। दिल्ली का ट्विन टावर देखिए, दो नहीं कितने सारे टावर है यहाँ पे गाइस, देख सकते हैं। ये पाड़ू मेरा नानी घर, और ये वैशाली भी हम लोग आ ही गए हैं, जस्ट वैशाली भी अब हम लोग इंटर करेंगे वैशाली द्वार के साथ। केसरिया तेरा इश्क है पिया अनीस आपका कॉलेज ट्यून लिखा था वहाँ पे, आपका नानी घर लालगंज, दादी घर, अच्छा दादी घर, आपका ददियाल। सो वैशाली द्वार अब हम लोग इंटर कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम लोग वैशाली द्वार में इंटर कर गए हैं। अनीस वैशाली आके कैसा लग रहा है? रुक यार, तू ऐसे मत ले यार, उनका कैमरा खराब हो रहा है। सो भानु रवि एक बार फोन लगा, बड़े लंबे टाइम बाद इतना अच्छा ट्रिप, कैसा लग रहा है? अभी हम कुछ पूछ रहे हैं, सब ले लीजिएगा नहीं ब्रो, भानु बोलेगा यो बाप रे खुश अच्छा था अनीस, अभी हम लोग इसमें डुबाने वाला था। भाई 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 सही बता रहे हैं तो भानु, बड़े लंबे टाइम बाद घर से बाहर ट्रिप पे जाके कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है, इसके बाद हैंग आउट कर रहे हैं और काफी अच्छा लग रहा है, माइंड फ्रेश लग रहा है, क्योंकि सडन ही आप देख सकते हैं यार, ये बोट चलता है, और अभी इसका क्या हाल है, इसमें बोटिंग भी होती है ये आप देख सकते हैं। अभी हम लोग उस साइड भी चलेंगे, हम लोग अंदर घूमेंगे, टूरिस्ट आए होंगे तब यार टिकट लेना पड़ेगा जरूरी है। वो आपको दिखाई देगा आप क्या लिख रहा है, जब इस पे दिखाई दे रहा है, कहाँ लिखे हैं यहाँ पे दिखाया है। अच्छा 06 06 कितने रुपए हो गया? 20 रुपए एक गाड़ी का, एक गाड़ी का 20 रुपया, इतना ज़्यादा है महामारी, 20 रुपया एक गाड़ी। हम आ चुके हैं वैशाली, और आते ही बोला गया है कि बोटिंग करना है, अनीस करना है क्या बोटिंग?
पैसा ही नहीं है, बजट बड़ा कम है अपना, देख सकते हैं। अभी हम लोग नीचे चलते हैं, बोट हर तरीके का बोट यहाँ पे। अच्छा भैया क्या चार्ज है इसका बोटिंग का? हाँ 400 रुपये एक सवारी। अच्छा 50 रुपये पर सवारी, अच्छा 50 रुपीज़। डिस्काउंट कर दीजिए। सो गाइज़ ये था वैशाली तक का ट्रैवलिंग ब्लॉग। सो अब जो मैं वैशाली में घूमूंगा, गौतम बुद्ध का स्तूप और गौतम बुद्ध की समाधि, अशोक स्तंभ, ये सब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। सो आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग को देखना ना भूलना, जो कि मैं कल डालूंगा। एंड आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।